हेलो एवरीवन। काफी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर क्वेश्चन पेपर तो मैंने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन रोक रोक के भी ले सकते हैं और बाकी एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं है आपका, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं आप, आपको पूरा दिखा दिया जाता है ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर सारी चीजें मैंने करके दिखा दिया है और साथ के साथ इसकी ना वीडियो भी बनाई है। मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा मॉर्निंग में डिस्कशन की, कि किस तरीके से अर्ली मॉर्निंग आ जाएगी आपके पास वीडियो। आपको बस देखना है कि क्या डिस्कशन है, होगा तो मैं रात में ही डाल दूंगा अभी, ठीक है। इसका और पार्ट है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 10 ईयर में कराया हुआ था, तो मैंने ज्यादा वर्किंग नहीं करा, मैंने क्लास में ही कराया हुआ था, ठीक है। और इसका बी पार्ट 10 ईयर का ही सवाल था जो मैंने डाला हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक एरर रह गया है, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ना, क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस था, जो कि मुझे यहाँ पे एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस लेना था, यहाँ पे आपको देखोगे, और एक अदर एक्सपेंस में से माइनस करना था, जो करना भूल गया आप उसमें कर लीजिएगा। और जो इसका आंसर आएगा, मैंने वीडियो में तो डिस्कस कर लिया है इसके साथ साथ, और अदर एक्सपेंस का जो आपका है ना, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस 80 रुपीज़ और माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है, वो रेंट में से माइनस होगा, क्योंकि रेंट एंड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस था। यस, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 का और पार्ट था, सिंपल सा था, एक पेज का ही था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो सर ये था, यहाँ पे एक चीज मिसिंग रह गई है जल्दबाजी में। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल आना है, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट तो लिख दिया लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, चलो ट्रेड रिसीवेबल यहीं से लिख देते हैं। चलिए आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर बोल देता हूँ मैं, चलो सर डेटर लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ डेटर का अमाउंट भी आना है, मैंने माइनस करके तो ले लिया है, डिफरेंस नहीं लिया क्वेश्चन पेपर से, यहाँ अमाउंट आना है, आप डिफरेंस ले लीजिएगा डेटर का, दैट्स इट, आपका टोटल यही आएगा, वो मैंने टोटल चेक कर दिया था। ये था इसके अंदर, और एक ये था हमारा इसका बी पार्ट, इसी का ही था, मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे सेल मुझे ना 36,000 लेना था, 30 की जगह पे 36 मैंने कर दिया है, और इसका टोटल सम 7,500 आएगा जब आप 36 कर देंगे इसको, तो ठीक है सर। सेम यही एरर पता है कहाँ चला गया हमारा, एसेट्स में, तो यहाँ पे 30 की जगह 36 और ये 2,10 आ जाएगा बैलेंसिंग का, 2,10 नहीं 2,10। चलिए सर ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 4 के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, पूरा करा हुआ है, देखिए इसके ऊपर सारे एडजस्टमेंट डिस्कशन किए हुए हैं वीडियो में, मैं वीडियो डाल दूंगा आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि कई बार बच्चे सोचेंगे सर ऐसे एम ही वीडियो डाल देते तो कोई मतलब नहीं होता, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके इसी का आपका एमलगेमेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, एमलगेमेशन का पूरा वर्किंग नोट के साथ कर दिया है। होल्डिंग की वीडियो मैंने अलग से बना दिया, होल्डिंग की वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ सारी चीज़ें, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पेपर। बाकी मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम और हमारे चैनल पर फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।